हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा सब बढ़िया चल रहा है। तो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 5 मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ और सेक्शन 87 कैपिटल ए, इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ बेटा, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। सेक्शन 87 कैपिटल ए मैं आपको कराने जा रहा हूं। सर ये सेक्शन क्या है 87 कैपिटल ए? तो मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और हम लोग एक एक पॉइंट इसके ऊपर नोट करेंगे कि सेक्शन 87 कैपिटल ए क्या है। चलो तो सबसे पहले आ जाते हैं, हेडिंग डाल लो सेक्शन 87 कैपिटल ए। तो भाई ये जो सेक्शन है 87 कैपिटल ए, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो एप्लीकेबल टू। किसको एप्लीकेबल होगा ये? तो ये एप्लीकेबल होगा रेजिडेंट इंडिविजुअल को। तो 87 कैपिटल ए की जो रिबेट है वो किसको मिलनी है? इंडिविजुअल रेजिडेंट को मिलनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल रेजिडेंट को मिलनी। इसका मतलब कि अगर कोई, हां जी, इसका मतलब कि अगर कोई क्या है भाई, नॉन रेजिडेंट, तो उसको 87 कैपिटल ए की रिबेट नहीं मिलनी है, उसको 87 कैपिटल ए नहीं मिलने वाला। नंबर टू में आ जाओ आप, नंबर टू के लिए कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। अब भैया अगर आपको 87 कैपिटल ए की रिबेट लेनी है तो आपको कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी होगी? देखो जी, कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी होगी, जो एसएससी है उसकी टोटल इनकम, यहां पे ऐसे बना लेते हैं स्टार करके, उसकी टोटल इनकम, हाँ जी, अप टू 5 लाख रुपीस होनी चाहिए। तो टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपए की टोटल इनकम होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, वो जो एसएससी होगा, तो एसएससी कौन होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा भाई, इंडिविजुअल होगा। एचयूएफ होगा, नहीं मिलेगी। कंपनी नहीं मिलने वाली, पार्टनरशिप फर्म नहीं मिलने वाली, एलएलपी नहीं मिलने वाली। आ रही है जी बात समझ में? तो इन लोगों को नहीं मिलने वाली, रेजिडेंट होना चाहिए और इंडिविजुअल होना चाहिए। आगे जी बात समझ में? और टोटल इनकम क्या होनी चाहिए? 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अब यहां पे स्टूडेंट एक एनालिसिस और आता है। आपको पता है एज कैटेरिया है, जो इंडिविजुअल है उसका एज कैटेरिया है, और 3 स्लैब रेट बनाए हुए। पहला 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है जी। दूसरा जो स्लैब रेट है 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, और थर्ड जो स्लैब रेट है 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। इसको ध्यान से समझना। अब स्टूडेंट क्या है, जो 2.5 लाख का स्लैब है वो किसके लिए है? जो बिलो, हाँ जी, जिसकी एज क्या है, एज क्या है जी, बिलो 60 इयर्स है। और इसमें क्या है भाई, जिसकी एज 60 इयर्स है या उससे ज्यादा है, पर लेस देन क्या है, 80 इयर्स या इक्वल टू, और यहां पे क्या है, 80 इयर्स या उससे ज्यादा। अच्छा, इसमें क्या है भाई, लेस देन है, इक्वल टू नहीं चलेगा। आ गई बात समझ में? तो इक्वल टू नहीं चलेगा, 80 साल लिख लो, उससे कम, लेस देन 80 है। लेस देन क्या है, 80। तो 60 या 60 से ज्यादा, 80 से कम, तो 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। 80 साल या उससे ज्यादा, तो भाई 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है।
तो क्या 87 कैपिटल ए जो फर्स्ट कैटेगरी में है बेसिक अजम्पशन 2.5 लाख वाला उसको मिलेगा? हाँ जी 87 कैपिटल ए, आंसर इज यस। जो सेकंड कैटेगरी में उसको मिलेगा? आंसर इज यस सीनियर सिटीजन। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है क्या उसको 87 कैपिटल ए मिलेगा? तो आंसर इज बिग नो, उसको नहीं मिलने वाला। क्यों? ऑलरेडी 5 लाख की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टूडेंट जो एनालिसिस है ना, कहते हैं ऐसे हिडन एनालिसिस आपको करके मैंने दिखाई। अब आप आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, इसका चार्ट बना लेंगे, क्वांटम ऑफ रिबेट। तो क्वांटम ऑफ रिबेट कितनी मिलेगी? तो क्वांटम ऑफ रिबेट में क्या है भाई, दो बातें हैं। एक तो आपका 100% जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है, 100% जो आपकी क्या आ रही है, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी। और दूसरी तरफ क्या है भाई, 12,500 रुपये, मैं कहूंगा मैक्सिमम है, मैक्सिमम 12,500 रुपये। और इन दोनों में क्या किया गया है भाई, विच एवरेज लोअर, इन दोनों में क्या किया गया है, विच एवरेज लोअर, जो विच एवरेज लोअर होगा उसकी आपको मिल जाएगी रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए, ठीक है जी। अब इसमें एक बात और है इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको तो आप नोट करके लिख लो कि जो सरचार्ज है, क्योंकि आपको पता है इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर सरचार्ज लगता है, तो सरचार्ज इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल एज द रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ देम एंड सेक्शन 87 कैपिटल ए रिबेट इज एप्लीकेबल आफ्टर सरचार्ज, एप्लीकेबल आफ्टर सरचार्ज। क्या मतलब है इसका? तो हमें क्या करना है, मैं एग्जाम्पल लूंगा, दो एग्जाम्पल लूंगा आपके साथ, रादर तीन एग्जाम्पल ले लूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है भाई, जो सरचार्ज है ना वो रिबेट के बाद एप्लीकेबल होता है। किसके बाद एप्लीकेबल होता है? रिबेट के बाद। और सरचार्ज क्या होगा, जो भी उस रिस्पेक्ट में सरचार्ज आ रहा है, आपको पता है अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है जी, 1 करोड़ नहीं सॉरी, इंडिविजुअल के केस में तो भाई टोटल इनकम अप टू 50 लाख, तो आपको पता है कोई भी सरचार्ज नहीं है। पर अगर टोटल इनकम क्या है भाई, 50 लाख से ज्यादा और लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, तो पहला आ जाता है 10 का दम, 10%। फिर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़, तो भाई 10 के बाद कितना हो जाता है, 15%। फिर उसके बाद आपको पता है 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा और लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़, तो 10 और 5 25% हो जाता है। और अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको पता है 37% हो जाता है। ये जो सरचार्ज हमें लगाना है ना 87 कैपिटल ए रिबेट लेने के बाद लगाना है, बस ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को ये पता नहीं होता, ठीक है जी। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट यहां पे शेयर कर देता हूं, पॉइंट नंबर 5, कि हमारा जो सेक्शन है 87 कैपिटल ए ये सारी इनकम्स के ऊपर एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल
टाइप्स ऑफ इनकम, सारी इनकम्स के ऊपर एप्लीकेबल है, फिर चाहे वो भाई सैलरी की हो, हाउस प्रॉपर्टी की हो, पीजीबीपी की हो, कैपिटल गेन की हो या अदर सोर्सेस की इनकम या स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की इनकम। पर इसकी एक एक्सेप्शन है जिसके ऊपर 87 कैपिटल ए नहीं मिलेगा, और वो एक्सेप्शन क्या है? अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन सा है भाई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसके ऊपर 87 कैपिटल ए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सारी इनकम्स के ऊपर 87 कैपिटल ए क्या होगा जी? एप्लीकेबल होगा। अब यहां पे तीन एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। सबसे पहला जो एग्जांपल है, तो यहां पे स्टूडेंट जो एसएससी है वो आपका रेजिडेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप रेजिडेंट ही मान के चलना, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। दूसरी बात, यहाँ पे टोटल इनकम 4,90,000 रुपीज है, ठीक है जी। तो आपको इसका टैक्स कैलकुलेट करना है, तो क्या सोल्यूशन निकलेगा भाई? पहले फर्स्ट, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, नील, ठीक है जी। नेक्स्ट बैलेंस कितना हो गया? 2,40,000, तो इस पे 5% आ जाएगा, और 2,40,000 का 5% आ जाएगा 12,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? हाँ जी, ये हमारा टैक्स आ गया 12,000 रुपये, यहां पे लेस कर देंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए, और रिबेट कितनी मिलेगी? 100% जो इसकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो 100% टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 12,000 और 12,500 रुपये, विच एवर इज लोअर। तो 12,000 रुपये यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी, और जो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आएगी वो निल आ जाएगी। टैक्स लायबिलिटी क्या आ जाएगी? निल। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप लोग ये नोट्स बना सकते हैं, और एग्जाम्पल 1 भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद दो एग्जाम्पल करवा रहा हूं, पहले आप लोग खुद निकाल लो और फिर उसके बाद आप लोग आंसर चेक कर लो। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे? हां जी, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर अगेन हमारे पास एसएससी जो है वो अभी बताता हूं आपको, और टोटल इनकम भी अभी बताते हैं जी। एसएससी हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल ही है, अगेन नहीं इंडिविजुअल नहीं, सीनियर सिटीजन, इस बार सीनियर सिटीजन ले लेते हैं, और रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है ना। और टोटल इनकम ले लेते हैं 4,25,000 रुपये। इसका सोल्यूशन निकालेंगे जी। सबसे पहले क्या आ जाएगा? फर्स्ट, पहले 2.5 लाख पे भाई निल, कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट हो गया गलत, सीनियर सिटीजन लिखा था, मैं ये देखना चाहता था आप में से कोई पॉइंट आउट करता है या नहीं, तो बच्चा भी हमेशा यही कर देता है, कहानी यहीं पे खराब हो जाती है स्टूडेंट एग्जाम के अंदर। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा कि इसके तो पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, तो इसका मतलब बैलेंस जो है वो 1,25,000 है, जिसके ऊपर लगेगा जी 5%। ये मैंने जानबूझ के आपको जल्दी से करके दिखाया था, तो 6,250, 6,250 ये हमारा टैक्स आ जाएगा। रिबेट ले लेंगे अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए 100% और 12,500 रुपये, विच एवर इज लोअर। तो यहां पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो 100% जो आ रहा है वो 6,250 आ रहा है, जो इसका टैक्स बना है, ठीक है जी। तो यहां पे 6,250 की मिल जाएगी और निल आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? निल।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तीसरा, और यहीं पे चौथा। तीसरे में स्टूडेंट मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे जो एसएससी है वो अगेन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, और यहाँ पे सिंपल जो एसएससी है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज उसकी 42 की है, ठीक है जी, 42 इयर्स की है, टोटल इनकम 5 लाख, और यहां पे भी टोटल इनकम कितनी कर लो भाई, 5 लाख। तो अगर आप यहां पे देखोगे स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन है तो पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, निल जीरो आ जाएगा, बैलेंस 2 लाख पे 5% लगाओगे भाई, 10,000 रुपये आ जाएंगे। और यहां पे सेक्शन 87 कैपिटल ए की रिबेट क्लेम करोगे तो 100% टैक्स पेबल और 12,500 रुपये, तो विच एवरेज लोअर, 10,000 रुपये आ रहा है, कोई टैक्स नहीं देना भाई, ठीक है ना, इसका मतलब 5 लाख रुपए तक की इनकम है भाई, कोई टैक्स नहीं दे रहा ये। इसका निकाल लें पहले 2.5 लाख पे 5% 0 निल हो जाएगा टैक्स, और अगले 2.5 लाख पे 5% तो 12,500 रुपये आएगा। आप करके देख लो, 2.5 लाख का 5% 12,500 अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए लोगे तो 100% और 12,500 रुपये विच एवरेज लोअर, तो भाई 12,500 रुपये ही लोअर है, आंसर इज निल। तो देखा जाए तो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को, ठीक है जी, जिसकी एज 60 साल से कम की है या अगर ज्यादा की भी है तो 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं। दो क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहूंगा, अगर मान लो एसएससी, हाँ जी, एसएससी कौन है भाई, है तो इंडिविजुअली बट नॉन रेजिडेंट है, कौन है जी, नॉन रेजिडेंट, और टोटल इनकम 2,60,000 रुपये, तो इसका आंसर आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल और, अगर हमारा जी, अगर हमारा एसएससी है तो इंडिविजुअली, ओ सॉरी, एचयूएफ ले लो आप, क्या ले लो, एचयूएफ, और यहां पे रेजिडेंट ले लो, और टोटल इनकम आप ले लो जी, टोटल इनकम 2,65,000, 2,65,000। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपने मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं इस केस के अंदर, बच्चे कह रहे हैं सर एक सरचार्ज वाला भी क्वेश्चन दे दो। अगर मान लो 49,90,000 ये हो गई जी टोटल इनकम, ठीक है, और एसएससी ले लो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है जी, और क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो हम मान के चलेंगे जो एज है वो बिलो 60 इयर्स होगी। इसका आंसर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जब आप आंसर निकालोगे इसका अगर मैं आपको सॉल्व ही करके दिखाऊं तो भाई पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, निल जीरो हो जाएगा, अगले 2.5 लाख पे 5% जो कि 12,500। सर आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट कैसे, नालायकों, ये पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है। 5 लाख पे 10% जो कि 1 लाख आता है, और 10 लाख से ज्यादा, तो यहाँ पे 10 लाख से कितना ज्यादा है भाई, 39,90,000। इसका आप निकाल दो
और सॉरी ये 20% था, इसका आप निकाल दो 30%, 30% निकाल दोगे 39, ये आ जाएगा 11,97,000। इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो 13,09,500 रुपये ये आ जाएगा जी। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद कितना आ गया यहां पे, 13,09,500, ये आ गया जी टैक्स। अब अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए जो रिबेट है, क्या वो मिलेगी? तो आंसर इज नो, वो नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली भाई? क्योंकि जो टोटल इनकम है वो एक्सीड्स 5 लाख है, इसलिए नहीं मिलने वाली। 13,09,500 के ऊपर अब लगेगा जी सरचार्ज। हाँ जी, इस केस के अंदर सरचार्ज लगेगा, तो आंसर इज नो, इस केस के अंदर सरचार्ज निल होगा, तो 0 आएगा। ये आपका जो टैक्स आएगा इसके ऊपर बस एक चीज ऐड होनी है, और वो क्या है भाई, हेल्थ और एजुकेशन सेस, ठीक है ना? तो इसमें प्लस कर देंगे हेल्थ और एजुकेशन सेस 4%, और जो भी 4% जोड़ने के बाद आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसमें दो क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। कितने एग्जाम्पल हो गए थे, 6, 7, 8, ये 8वां एग्जाम्पल ले लो भाई, ठीक है जी। और 8वें एग्जाम्पल में आपको दे देते हैं 60 लाख, टोटल इनकम क्या है भाई, 60 लाख रुपीज। एसएससी कौन है? वही है आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है जी। आंसर बता के चला जाता हूं आपको, आंसर बता के चला जाता हूं, 17,73,750। बाकी प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर देना, भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तो आज स्टूडेंट मैंने सेक्शन आपको 87 कैपिटल ए के बारे में मैंने आपको बताया, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो हमने कहां से स्टार्ट किया था, रेट ऑफ टैक्स से स्टार्ट किया था। दो रेट थे, नॉर्मल रेट स्पेशल रेट। नॉर्मल में दो थे भाई, फ्लैट रेट सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, स्पेशल रेट, ओ सॉरी इसको इसको दोबारा लिख लेते हैं भाई, फ्लैट रेट सारे क्वेश्चन करा चुका हूं और स्लैब रेट के भी सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है ना। स्पेशल रेट के क्वेश्चन रहते हैं तो इसका प्रोविजन भी समझाऊंगा, स्पेशल रेट क्या है, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो जो नॉर्मल रेट थे भाई, फ्लैट रेट, क्योंकि कई बार ये वीडियो के अंदर बच्चे बोल देते हैं सर ये आपने क्या बोल दिया भाई, स्लिपिंग ऑफ टंग हो गया यहाँ पे। तो फ्लैट रेट और स्पेशल रेट के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें स्टूडेंट, और बहुत मजा आएगा क्योंकि स्पेशल रेट का डिस्कशन होगा, ठीक है जी, और टेक्निकल भी है थोड़ा। तो चाहूंगा कि जितने भी प्रैक्टिकल अप्रोच की वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड की है वो सारी आप लोग कंप्लीट कर लें, और हमारी वीडियो को स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, टेक केयर, और मजे लेते रहो स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते।